हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन एपेक्सल का दो नया लेंसेज का। एक है एपेक्सल का 8x 24x वेरिएबल मैग्नीफिकेशन वाला जूम लेंस और एक है जो अभी आया है 6x जूम लेंस। तो ये दोनों लेंसेज में प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्वालिटी भी सिमिलर है ग्लास का। चलिए देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस आता है और आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। ये जो 8x 24x जूम लेंस है, इसको सेटअप करने में फ़ोन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसका यहाँ पे स्क्रू टाइट करना पड़ता है, फिर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ईजी है। जो 6x जूम लेंस है, इसको बस क्लिप कर देना है अपना मेन कैमरा में। तो इसको बस ऐसे दबा के यहाँ पे सेट कर लेना है और ये हो गया अपना सेटअप। ओके, मैंने अभी सेट कर दिया है 8x 24x का वेरिएबल जूम लेंस और मैंने अभी सेट किया है 8x में, ताकि लोएस्ट रहे, क्योंकि मैं अभी चल के जा रहा हूँ वहाँ पे और वहाँ पे खड़ा रहूँगा और देखेंगे कैसा आउटपुट आता है इस लेंस से। पहले डिस्टेंस बता देता हूँ, इसका डिस्टेंस है अराउंड 4 to 5 meters। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर कितना अच्छा आ रहा है, ये 8x जूम से लिया गया है। अभी हम देखते हैं 6x जूम से कैसा आउटपुट आता है। सेम डिस्टेंस में है और ये देखिए 6x जूम लेंस का आउटपुट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैकग्राउंड और भी ज़्यादा ब्लर है लग रहा है मुझे 8x से, और आपका क्वालिटी भी थोड़ा सा बेटर है क्योंकि हमको ज़्यादा जूम करना नहीं पड़ता है 6x जूम में। लेकिन आपका जो 8x जूम में आपको 2.4x या ऐसा कुछ जूम करना पड़ता है इन वीडियो मोड में, तो आपको 6x में 1.6 या ऐसा कुछ जूम करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 8x जूम लेंस है और 6x जूम लेंस का थोड़ा सा कलर डिफरेंस आता है, क्योंकि थोड़ा सा ग्लास का क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए 6x में आपका अच्छा कलर रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आपका 8x में बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर लग रहा है मुझे 6x से। लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं और क्लैरिटी में आप देख सकते हैं दोनों ही सेम ही टाइप का आउटपुट देते हैं। ये है 8x जूम लेंस में इतना आउटपुट आता है। हम अभी कवर कर रहे हैं वो वाला बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग का टॉप में जो येलो वाला बिल्डिंग है उसको हम कल कवर कर रहे हैं। तो देखिए इसका आउटपुट कैसे ब्यूटीफुल आ रहा है, इतना जूम हो पा रहा है 8x में। अभी हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इसको और बना देंगे 24x। ठीक है, तो चलिए रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट होने से आपका देखिए कितना जूम हो गया। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा पास में दिख रहा है, जो डिश टीवी ऐसा कुछ है, तो इसको हमारा फोकस को भी सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, फोकस भी सेट हो गया। अभी दिख रहा है ये एयरटेल का जो डिश टीवी है, एयरटेल का है। तो ये है अपना जूम पावर 8x 24x लेंस का। अपने हिसाब से आप जूम कर सकते हैं, ये है इसका फ़ायदा। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक बॉर्डर हटाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना पड़ेगा 6x लेंस से, क्योंकि 6x लेंस में आपको ओनली 2x जूम, 1.6x जूम में आपका वीडियो मोड और 2x जूम में फोटो मोड में आपका फुल स्क्रीन कवर हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा जूम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मे बी क्वालिटी लॉस हो सकता है। तो देख लेते हैं एक बार हम दोनों को कंपेयर करके किस में कितना क्वालिटी आता है। तो मैग्नीफिकेशन टेस्ट करते हैं 6x जूम का। ये है इसका आउटपुट 6x जूम में और देख लीजिए एक बार। और हम वही सेम जगह शूट कर रहे हैं जो 8x 24x में किए थे। तो ये है 6x जूम। अभी हम मैं क्या करता हूँ, 6x जूम और 8x जूम को दोनों साइड बाई साइड रख के कंपेयर कर लेते हैं।